पवा वाटरफॉल पर सैलानियों के जमावड़ा लगा हुआ है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हजारों की संख्या में ग्वालियर इंदौर के साथ आसपास के क्षेत्रों से वाटरफॉल देखने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में जिस तरीके से लोग प्रकृति झरनों का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, वहां पोहरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच बसा पवा वाटरफॉल को देखने प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ऊंचाई से गिरने वाले झरने का आनंद उठाते हैं, लेकिन इस झरने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जबकि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के पास पहुंच रहे हैं। नाम क्या? मेरा नाम महिमा पुष्पा है। कहाँ से? आप पवा क्यों आते हैं? पवा एक पर्यटन स्थल है, इसलिए घूमने के लिए आते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ? पवा का वाटरफॉल बहुत अच्छा है। तो यहाँ आसपास कितने लोग आते हैं? बहुत से, कई लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। पवा आते हैं, क्या कारण है कि पवा आप आते हैं? सर यहाँ पर पवा देखने लायक स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो झरना है ना, इसकी जो गिरने का जो पानी की आवाज़ है सबसे ज़्यादा वो अच्छी लगती है हमें। और यहाँ का जो दृश्य है वो मन को भाने वाला दृश्य है। अगर एक बार इसने देख लिया ना किसी ने भी इस दृश्य को, तो वो इसको देखना ना भूलेगा, दोबारा पक्का आता है, हर मौसम में आता है। और एक बार देखने के बाद भी तो कितने लोग, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सर यहाँ पर? ये मान लो ग्वालियर, इंदौर, गुना, सोपोर, यहाँ तक 8 पीस का एरिया पूरा आता है।